आज की वीडियो कुछ हटके, क्योंकि आज मैं बात करूंगा उन देशों की जिनके खजाने में सबसे ज्यादा सोना लदा हुआ है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले मैं कहीं और की नहीं बल्कि हमारे भारत की ही बात करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, तो उन्होंने दिसंबर 2021 में हमारे भारत की रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी, जिसमें बताया गया कि हमारे पास अभी 754.1 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है, जिसकी कीमत आज के दिन तकरीबन 633 बिलियन डॉलर की है, और जो कि आज की दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व में से एक है। तो क्या आपको पता है कि इंडिया का टोटल गोल्ड रिजर्व हमारे टोटल फॉरेन रिजर्व का तकरीबन 10% है। अब इस तरह से आरबीआई के पास देश द्वारा सोना जमा करवाया जाता है ताकि हम उससे अपने देश की करेंसी ले सकें। हमारे देश में 130 करोड़ लोगों के आसपास लोग रहते हैं और यही आबादी पूरी दुनिया में महंगी महंगी मेटल्स का इस्तेमाल करने वालों में नंबर एक पर आती है। इसलिए पूरी दुनिया के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी गोल्ड मार्केट है और हमारे त्योहार और शादियों के सीजन, जो कि मेनली अक्टूबर से दिसंबर के बीच में चलते हैं, तब तो हमेशा गोल्ड की रिकॉर्ड खरीदारी नोटिस की जाती है। जबकि दुनिया ये मानती है कि हम गोल्ड में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों का ही डाटा उठाएंगे तो पिछले 4 सालों में इंडिया के गोल्ड रिजर्व में 200 टन का इजाफा हुआ है। जबकि हमारे देश में रहने वाले लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर माना जाता है। आज के समय में तकरीबन हमारे देश के लोगों के पास 30,000 टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है। मैं ये बात पक्का कह सकता हूँ कि ये जानने के बाद आपका दिल बहुत खुश हो गया होगा। नीदरलैंड्स, पिछले कुछ सालों में नीदरलैंड के फॉरेन रिजर्व में 52% गोल्ड की बढ़ोतरी देखी गई और आज के समय में नीदरलैंड जैसे देश के पास कुल टोटल 612 टन सोना मौजूद है। सन 2016 में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जब वहां के नेशनल बैंक ने अपना सारा सोना स्टोर करके रखने के लिए जगह मांगी, क्योंकि वो अपनी पुरानी तिजोरियों को रेनोवेट कर रहे थे। इसलिए डच रिजर्व बैंक ने अपना सारा सोना निकाल कर एम्स्टर्डम में बने कैश सेंटर में रखा। ज्यादातर देशों की तरह इस देश का सोना भी बैंक्स में ही पड़ा हुआ है ताकि चोरी होने का कोई रिस्क ही ना हो। लेकिन फिर भी इतने बड़े सोने के जखीरे को संभालना आज भी एम्स्टर्डम में एक समस्या बनी हुई है। वहां पर स्पेशल एजेंसीज को हायर किया गया है जो इस सोने की 24 घंटे रक्षा करते हैं। और अभी हाल ही में 2022 की शुरुआत में नीदरलैंड्स ने अपना करीब 189 टन सोना दूसरी तिजोरियों में शिफ्ट किया है अपने इसी डर को कम करने के लिए। पिछले कुछ सालों में इस देश की मार्केट में सोने की बहुत ज्यादा खरीदारी देखी गई। क्या वहां की सरकार रिस्क को कम करने के लिए अपना गोल्ड रिजर्व घटा रही है? लेकिन फिर भी पिछले काफी लंबे समय से इस देश के पास 612 टन सोने का गोल्ड रिजर्व मौजूद ही है। जापान, दुनिया में जापान भी उन देशों में शामिल है जो लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाता जा रहा है। आज के समय में जापान जैसे देश के पास उनके नेशनल बैंक में कुल टोटल 846 टन सोना संभाल कर रखा गया है और इतना सोना जापान के टोटल फॉरेन रिजर्व का तकरीबन 3% हिस्सा है। कमाल की बात यह है कि बहुत लंबे समय से ही जापान जैसे देश के पास बाकी के देशों से ज्यादा सोना रहा है और ये बात सन 2011 तक सच भी थी, लेकिन 2011 के बाद उन्होंने अपना सोना मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि उस समय जापान में भयंकर सुनामी आई थी जिसकी वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर आपदा का भी आगमन हुआ था, जिससे सरकार को लगा कि अगर वो अपना सोना मार्केट में उतारेंगे तो उनकी इकोनॉमी में थोड़ा फ्लो आएगा। लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वहां का सेंट्रल बैंक अपने अलग ही नियमों पर चलता है। जनवरी 2016 में ब्याज की दरों को उस बैंक ने 0 से भी कम कर दिया, जिससे अपने आप उस देश में सोने की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर भी आज यहां के फॉरेन रिजर्व में 846 टन सोना मौजूद है। स्विट्जरलैंड, 1997 से पहले स्विट्जरलैंड लगातार खजाने में सोने को बढ़ाता जा रहा था, लेकिन उस साल ये डिसीजन लिया गया कि वो देश अपना थोड़ा सोना बेचकर अपने देश की करेंसी को थोड़ा बूस्ट करेगा। मैं आपको बता दूं कि आज भी स्विट्जरलैंड के टोटल फॉरेन रिजर्व में तकरीबन 7% हिस्सा वहां के बैंक्स में रखे हुए सोने का है। क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास पर कैपिटा के हिसाब से सबसे ज्यादा सोना मौजूद है, जिससे कई बार वहां के लोगों को ये लगने लगता है कि उनका नेशनल बैंक इतने सारे सोने से परेशान हो चुका है। और इसी से परेशान होकर वहां के लोगों ने सेव द स्विस आंदोलन की भी शुरुआत की और पूरे देश में वोटिंग की, लेकिन उस वोटिंग का भी कोई फायदा नहीं हुआ और वहां का नेशनल बैंक लगातार वहां के सोने को निकालता रहा है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पूरे यूरोप का ये देश सोने का व्यापार के लिए सेंटर बन चुका था, जिससे इस देश को 2 गुना फायदा हुआ। लेकिन आज के समय में इस देश का ज्यादातर सोने का व्यापार हांगकांग और चाइना के साथ चलता है और यही व्यापार कर करके स्विस नेशनल बैंक ने 2017 में तकरीबन $6 बिलियन का मुनाफा कमाया था। रशिया, अब हम सभी को पता है कि रशिया इस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोना पैदा करने वाला देश है और सन 2006 से ही ये देश अपना खुद का गोल्ड रिजर्व बनाता रहा है। सन 2012 में ही रशिया ने अपने खुद के देश से ही तकरीबन 75 टन सोना खरीदा
और आज के समय में रशिया के पास तकरीबन 2300 टन सोना मौजूद है, जो कि रशिया की टोटल फॉरेन रिजर्व का तकरीबन 10% हिस्सा बनता है। और पिछले काफी लंबे समय से रशिया इस मात्रा को लगातार बढ़ाए जा रहा है। सन 2015 में रशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार था। उस साल उसने टोटल 206 टन सोना पूरी दुनिया से खरीदा। उसका प्लान था कि वो इस गोल्ड को डाइवर्सिफाई करके रशियन रूबल की वैल्यू को डॉलर से भी ऊपर ले जाएगा। और इस खरीदारी को करने के लिए रशिया ने अपने खजाने में पड़े लगभग 20% अमेरिकन डॉलर्स को खर्च कर दिया। और सच में रशिया के पास इतना सोना मौजूद है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। चाइना, चलिए अब बात करते हैं उस देश की जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर माना जाता है, लेकिन फिर भी उसमें से बहुत कम सोना उसके गोल्ड रिजर्व में मौजूद है, क्योंकि चाइना अपने द्वारा निकाला गया ज्यादातर सोना दुनिया में ही बेच देता है और उसे कमाया हुआ प्रॉफिट चाइनीज मार्केट में लगाकर अपनी इकोनॉमी चलाए हुए है। लेकिन आने वाले समय में चाइना अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने वाला है और आज के समय में चाइना के पास उसके गोल्ड रिजर्व में तकरीबन 1950 टन सोना मौजूद है। और यही सोना बेचकर चाइना की करेंसी रेनमिनबी ने डॉलर, यूरो, येन और पाउंड वाले ग्रुप को ज्वाइन करके खुद को एक इंटरनेशनल करेंसी बना डाला। फ्रांस, अब मैं बात करने वाला हूं उस देश की जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले 2000 टन सोने के आंकड़े को पार किया था और आज के समय में इस देश के खजाने में पूरा 2436 टन सोना मौजूद है। और बहुत लंबे समय से इस देश के लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहे हैं और पिछले साल ये परसेंटेज तकरीबन 65 के आसपास थी। और आज के समय में फ्रांस के पास जितना सोना है वो उसकी टोटल फॉरेन रिजर्व का तकरीबन 62% बनता है। पिछले कुछ सालों में फ्रांस के सेंट्रल बैंक ने अपना थोड़ा बहुत सोना मार्केट में बेचा भी है, लेकिन वहां की पूर्व राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले बैंकों द्वारा गोल्ड को बेचे जाने पर पाबंदी लगा दी। साथ ही उन्होंने रूल भी बनाया कि जितना भी सोना उन बैंकों द्वारा भेजा गया है वो वापस उनको जमा करे। इटली, हम सभी को पता है कि पिछले दशक में इटली जैसे देश ने भी बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को झेला था और इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे इटली के बैंकों में रखा हुआ सोना भी एक बहुत बड़ी वजह निकल कर सामने आई। और जब फाइनली इटली अपने इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर निकला तो सभी को लग रहा था कि इटली ने अपने आप को सुधार लिया है और उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अब गोल्ड की वजह से सुधर गई होगी, लेकिन यकीन मानिए इटली का उस समय भी गोल्ड से कोई लेना देना नहीं था। खैर, आज के समय में इटली के पास अपने गोल्ड रिजर्व में कुल टोटल 2452 टन सोना मौजूद है, जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये सोना वहां के टोटल फॉरेन रिजर्व का 65% हिस्सा बनता है। जी हाँ, इटली जैसा एक छोटा सा देश भी फ्रांस जैसे देश से भी थोड़ा ज्यादा सोना अपने पास रखे हुए है और साथ ही इटली ने यह आंकड़ा अपने कई सालों से बनाया भी हुआ है। सन 2013 में एक पत्रकार ने वहां के सेंट्रल बैंक के गवर्नर से एक क्वेश्चन पूछा और उसमें उन्होंने पूछा कि सोना वहां के सेंट्रल बैंक के पोर्टफोलियो में क्या रोल अदा करता है, तो उन्होंने एक छोटा सा उत्तर दिया, रिजर्व ऑफ सेफ्टी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि गोल्ड ही एक ऐसी चीज है जो आपकी इकोनॉमी को कभी भी ऊपर और नीचे कर सकता है। ये आपके हाथ में है, आप कभी भी इसके सहारे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को नीचे ला सकते हैं। जर्मनी, अब मैं बात करता हूं दुनिया के दूसरे उस देश की जिसके पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। आज के समय में जर्मनी के गोल्ड रिजर्व में तकरीबन 3360 टन सोना पड़ा हुआ है और ये सोना वहां के टोटल फॉरेन रिजर्व का 66% हिस्सा बनता है। सन 2017 के अगस्त महीने में जर्मनी के सेंट्रल बैंक ने अपना बहुत सारा सोना न्यूयॉर्क से निकाला और यहां तक कि पेरिस से भी उन्होंने निकाल कर अपने देश में रखा और इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन में कुल टोटल 731 टन सोना इधर से उधर किया गया था। अब आप पूछेंगे कि अगर उन्होंने अपना सोना दूसरे देश में रखा हुआ था तो उसमें दिक्कत क्या थी, तो यहाँ दिक्कत ये थी कि इस बैंक से वहाँ के लोगों का विश्वास उठता जा रहा था कि वो अपना सोना वापस क्यों नहीं ला पा रहे, तो इसीलिए बैंक ने सोचा कि क्यों ना अपना सोना वापस लेके आकर अपने लोगों में अपना विश्वास फिर से बनाया जाए। साथ ही उनको ये डर भी था कि कहीं उनके सोने पर रशिया जैसे देश का कब्जा ना हो जाए। और जब बैंक अपना पूरा सोना वापस वहां से ले आया तब भी ये अफवाहें उड़ रही थी कि बैंक जो सोना वापस लेकर आया है वो सारा नकली है, लेकिन इसके बाद बैंक ने क्वालिटी चेक करके वहां की पॉपुलेशन को दिखा दिया कि वो जो सोना वापस लेकर आए हैं वो बिल्कुल असली है। अमेरिका, अब मैं बात कर लेता हूं उस देश की जिसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर माना जाता है। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अमेरिका की और यही वो देश है जिसके पास आज दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व भी मौजूद है। जी हाँ, आज के समय में अमेरिका के पास तकरीबन 8134 टन सोना वहाँ के गोल्ड रिजर्व में रखा हुआ है। पहले ये सोना वहाँ की टोटल फॉरेन रिजर्व का तकरीबन 70% बनाता था। एक समय वो भी था जब इस देश के पास 20,000 टन सोना इसके खजाने में मौजूद था, लेकिन समय के साथ साथ वो आंकड़ा गिर गिर कर 8134 टन पर आ पहुंचा, जबकि
ये सारा सोना आज की वहाँ की फॉरेन रिजर्व का तकरीबन 74% बनाता है। साथ ही ये आंकड़ा पिछले कुछ सालों से बदला भी नहीं है। उसके पास कितना सोना है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि अमेरिका के बाद जो तीन देश आते हैं, अगर उन तीनों देशों का सोना भी आपस में मिला दे तो भी वो तीनों मिलकर अमेरिका की टक्कर नहीं कर सकते। साथ ही इसके अलावा अमेरिका की जो फॉरेन रिजर्व का परसेंटेज गोल्ड रिजर्व बनाता है वो भी इसका सेकंड सबसे हाईएस्ट है, जबकि सबसे पहले नंबर पर तजाकिस्तान आ जाता है जिसका तकरीबन 88% सोना वहां की टोटल फॉरेन रिजर्व का है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका का ज़्यादातर गोल्ड वहाँ के केंटकी राज्य में रखा हुआ है। इसे आगे मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अनिल बाग को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।